नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझोगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल प्रदेश में मौसम के बदलाव से इन दिनों सर्दी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के मरीज ज्यादा निकल रही है। राजधानी भोपाल के 6 नंबर स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सा की आरएमओ डॉक्टर सुधीर पांडे ने बताया कि बारिश के कारण मच्छर पनप रही है, जिसकी रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस समय मौसम के बदलाव से जो इस समय पानी गिर रहा, थोड़ी ठंड भी है, धूप भी निकल रही है, इसके कारण जो है हमारे यहाँ जो है सर्दी, जुकाम, बुखार के इनके पेशेंट जो है ज़्यादा आ रहे हैं। कोरोना के भी केस आए हैं क्या? कोरोना का अभी केवल एक ही केस आया था, लेकिन कोरोना के अब इतने पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। बाकी क्या है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, इसके पेशेंट ज़्यादा हैं। मच्छरों से जो लावा है उसको लेकर जन जागरूकता चलाई जा रही है। जी हाँ, मच्छरों से जो है जैसा कि मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, ये बीमारियां फैलती हैं, तो इनको जो है रोकने के लिए मच्छर का जो है अभियान जो मलेरिया विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। घर घर जाकर पानी का जो है जाँच की जा रही है और उनको जो समझाइश दी जा रही है कि भाई पानी को इकट्ठा ना करने दें। और उसको जो है जैसे डेंगू का क्या है कि ताजे पानी में उसका लार्वा रहता है, तो पानी को हर 6-7 दिन में बदलें या उसमें जो है तेल डालकर रखें। इस प्रकार से समझाइश आम जनता को दी जा रही है और घर घर इसका जो है प्रचार और उपचार जो है किया जा रहा है। जो बुखार और उसकी दस्त के जो मरीज मिलते हैं उनको क्या कुछ समझाइश दी जाए? उनको बस यही है कि मतलब पानी उबाल कर पिए और पानी में भींगे ना, और खाने पीने में इस समय ऋतु संधि चल रही है तो खाने पीने में भी ताज़ी वस्तुओं का सेवन करें, बासी जो है वस्तुओं का सेवन ना करें। खट्टी चीज़ों को और ठंडी चीज़ों को जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम वाइसक्रीम है, इस प्रकार की चीज़ों को ना खाएं। भोपाल से खबर समझ जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।